रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ दिशा। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। जनपद उधम सिंह नगर के काशीपुर और जसपुर कोतवाली क्षेत्र में दो युवकों ने अलग अलग दिन चेन स्नैचिंग की घटनाओं को अंजाम दिया था। इसमें काशीपुर पुलिस और जसपुर पुलिस ने संयुक्त टीम बनाकर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से स्नैचिंग का माल और घटना में प्रयुक्त बाइक को भी बरामद किया गया है। पुलिस अधीक्षक काशीपुर अभय सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि दोनों आरोपियों को न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। जसपुर से हमारे संवाददाता विनोद अग्रवाल की रिपोर्ट। जसपुर थाना क्षेत्र में और इसी तरीके से 14 जुलाई को काशीपुर थाना क्षेत्र में दो चैन स्नेचिंग की अलग अलग घटनाएं हुई थी और चूंकि बैक टू बैक दो चैन स्नेचिंग की घटनाओं से इसकी संवेदनशीलता अधिक थी और इसी को पूरी संवेदनशीलता से हमने लेते हुए दोनों थानों काशीपुर और ITI की जो थानाध्यक्ष है इनके नेतृत्व में एक टीम बनाई थी। उसमें कुछ सिमिलरिटी थी, जैसे जो दोनों घटनाओं में अभियुक्त थे ये और बात है कि उन्होंने अलग अलग टाइम पर जैसे जसपुर में सुबह के समय और काशीपुर में रात लगभग 10:30 बजे करीब में घटना करी थी, लेकिन घटना में जो बाइक और हुलिया था अभियुक्तों का वो सिमिलर था, लिहाजा इसमें ज्वाइंट टीम बनाई गई। ज्वाइंट टीम में ये जो तीन लड़के हमारे हैं, जैसे काशीपुर में कांस्टेबल जो हमारा प्रेम कनवाल जो कटोरा ताल चौकी में, और उसी तरीके से राजकुमार और अरुण हैं दो लड़के जो कि जसपुर थाना क्षेत्र में हैं कांस्टेबल हमारे, इन लोगों ने लगभग 150-200 कैमरे देखे और इसको डेवलप किया। तो बाद इसमें जानकारी आई कि ये दो लड़के हैं, एक मुकुल कुमार जो कि अफजलगढ़ का रहने वाला है और एक मनोज कुमार जो कि रेहड़ का रहने वाला है। मनोज यहीं पर एक रेस्टोरेंट में काम करता है, ये छोटी मोटी घटनाएँ करते थे चोरी की। बाद में इनको अपने शौक पूरा करने के लिए ये लगा कि चैन स्नेचिंग में मोटा पैसा है, तो मुकुल इसके पास आता था और ये दोनों निकलते थे और लगातार रेकी करते रहते थे, जहाँ इसको अवसर मिली उस तरीके से ये चैन स्नेच कर लेते थे। जसपुर में जो सूट मिल की घटना थी वो एक महिला थी जो कि टीचर है और वो अपनी साथी टीचर के साथ स्कूटी से जा रही थी, उनकी चैन इन्होंने खींची थी। इसी तरीके से विजयनगर में हमारा जो काशीपुर है यहाँ पर भी इन्होंने एक महिला जो कि रात में अपने घर से बाहर वॉक कर रही थी तो उनकी चैन खींच ली थी। इस तरह दोनों अभियुक्तों की गिरफ्तारी है और जो पूरी चेन जसपुर से जो उनके द्वारा चेन स्नेच की गई थी वो हमने बरामद कर लिया। काशीपुर वाली जो चेन थी वो टूट गई थी, आधा टूटा हिस्सा इन्होंने बेच के जो पैसे प्राप्त किए थे वो भी हमने रिकवर कर लिया है और जो आधी चेन इनके पास थी वो भी रिकवर है। दोनों अभियुक्त गिरफ्तार हैं। घटना में जो प्रयुक्त मोटरसाइकिल है उसको भी हमने रिकवर कर लिया है। आज इन दोनों अभियुक्तों को माननीय न्यायालय के समक्ष आपराधिक इतिहास नहीं मिला। हमारे फेसबुक पेज को लाइक फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।